वे इन्हें लोगों के बड़े इस गठबंधन के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी नेता एवं कार्यकर्ता हैं। आज आप लोग यहाँ हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में हमें सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिनको कामयाब बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव चौधरी अभय चौटाला जी व इनके सभी साथीगण तथा बीएसपी के भी नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद व यहाँ के संयोजक श्री रणधीर बैलीवाल और इनके भी सभी साथीगण पूरे जी जान से लगे हैं। और अब मैं आप लोगों का ध्यान यहाँ हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने इस बड़े गठबंधन की सरकार बनाने को लेकर कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में हमारी पार्टी का ये कहना है कि अपने देश को आजाद हुए वे भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब वर्षों बीत चुके हैं और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके हरियाणा प्रदेश में भी विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही है, लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान आपके हरियाणा प्रदेश में भी यहाँ विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अकलियतों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है, जिनके सरकारों की गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि को अभी ने और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में खास तौर से मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये बताना चाहूंगी कि इन वर्गों को यानी कि पूरे देश में ऐसी एसपी और ओबीसी अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान में मिले कानूनी अधिकारों में से विशेषकर सरकारी नौकरियों में जो इन्हें आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे यहाँ पहले कांग्रेस की और अब बीजेपी की तथा अन्य पार्टियों की भी रही सरकारों की जातिवादी सोच व मानसिकता के चलते इन्हें ये आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये पार्टियां इन्हें ये आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं और अब तो इनके इस आरक्षण को ये पार्टियां मान्य कोर्ट की आड़ में इसे प्रभावहीन बनाने में वे खत्म करने की भी पूरी पूरी कोशिश में लगी हुई है। और इसका खास उदाहरण दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय फैसला है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एससी व एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण व क्रिमी लेयर आदि को लागू करने की बात कही है। और यदि इन वर्गों के
आरक्षण के मामले में केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार की भी नीति में नियत साफ होती तो फिर ये सरकार जो वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार है तो फिर ये सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर आए इस निर्णय को बिना कोई देरी किए हुए उसे निष्प्रभावी बनाने व पूर्व की स्थिति में लाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाकर फिर संवैधानिक संशोधन विधेयक जरूर लाते। यदि वर्तमान केंद्र की भाजपा की सरकार की नीयत साफ होती आरक्षण के मामले में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है तो वो उस निर्णय से आपका जो आरक्षण है आगे चलकर अब ये ना के बराबर रह जाएगा और आपको कोई ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। तो जो अभी तक आपको ये सुविधा मिल रही थी तो उस स्थिति में लाने के लिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो इसको कौन बदल सकता है? इसको सेंटर की सरकार बदल सकती है। वर्तमान में केंद्र की सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लिखा कि यदि आपकी दलितों आदिवासियों और अन्य वर्गों के मामले SC ST के मामले में यदि नीति आपकी स्पष्ट है, सोच सही है, तो फिर तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को जो निर्णय दिया है जिससे SC ST का आरक्षण निष्प्रभावी हो गया है, तो ये फिर खत्म हो जाएगा तो फिर इसको प्रभावी बनाने के लिए और फिर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है वो पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाए और विशेष सत्र बुलाकर उसमें संवैधानिक संशोधन विधेयक लाए और उसमें फिर हम देखते कांग्रेस और पूरा विपक्ष तो वो आपको सपोर्ट करता है नहीं करता है। जिन्होंने संविधान बचाने और आरक्षण को बचाने के नाम पर पूरे देश में दलितों शोषितों को पिछड़ों को इनका वोट तो ले लिया लेकिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बैठ दिया उसके बाद तो शांत हो गया है। सारी विपक्ष की पार्टियां कांग्रेस और इंडिया गठबंधन सब है कुछ बोलने के लिए संविधान बचाने के नाम पर आरक्षण बचाने के नाम पर उनके बहकावे में आकर अपनी BJP को भी किनारे कर दिया और इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया लोकसभा चुनाव में। लेकिन अब क्या हो रहा है? चुनाव खत्म होने के बाद इंडिया गठबंधन को फायदा तो हो गया गुमराह करके आप लोगों को, लेकिन जब 1 अगस्त को निर्णय आया आरक्षण को लेकर के जो शुरू कास्ट के लोग हैं, ट्राइब कम्युनिटीज के लोग हैं, दलित जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, तो अब इनको जो पहले से आरक्षण मिल रहा था, जो इनका कोटा मुकर्रर था, जो पहले से आरक्षण मिल रहा था वो ना मिलकर अब इनका वर्गीकरण किया जाएगा। जिनको जरूरत है उनको दिया जाएगा और शुरू कास्ट में जो जातियां मजबूत होगी उनको किनारे कर दिया जाएगा। ये जजमेंट है। लेकिन ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिन शुरू कास्ट में जो जातियां कुछ आगे भी बढ़ी हैं, मुश्किल से 5-6% लोग बढ़े हैं, बाकी लोगों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में अभी कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है, इसलिए इनके वर्गीकरण की अभी जरूरत नहीं है। बल्कि जो पूर्व में जैसी स्थिति बनी थी इनको सबको अभी पूरा आरक्षण देने की जरूरत है। लेकिन जब हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो फिर
सारी पार्टियां चुप हो गई। हमने बीजेपी को भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप संविधानिक संशोधन विधेयक लाइए और आप उसे पार्लियामेंट में लाकर पास कराएं। हम अपोजिशन को भी देखेंगे, इंडिया गठबंधन को भी देखेंगे कि वो आपको सपोर्ट करता है नहीं करता है। तो जो बीजेपी की सरकार है सेंटर की, वो संविधानिक संशोधन विधेयक अभी तक नहीं लाई है, अपोजिशन चुप है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग एक बार तो धोखा खा गए, इनके बहकावे में आ गए इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के, और आप लोगों ने वोट दे दिया कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपके आरक्षण पर चोट मारी तो ये सारी पार्टियां चुप हो गई। ये कहती तो है कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसको लेकर ये कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि इसके लिए कांग्रेस व इनके इंडी गठबंधन ने अभी तक भी केंद्र सरकार पर कोई दबाव नहीं बनाया, और ऐसा करना तो बहुत दूर की बात रही, बल्कि इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर अभी तक कुछ भी खुलकर नहीं बोला है। और इस मामले में केंद्र की भाजपा सरकार व अधिकांश सभी विरोधी पार्टियां अभी तक भी चुप्पे साधे हुए हैं। यहां मैं ये भी बता देना चाहती हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC ST आरक्षण में वर्गीकरण करने और क्रिमिनल को भी लागू करने का ये कार्य अब राज्य सरकारों के ऊपर ही छोड़ दिया है। अब ये राज्य सरकारों के ऊपर ही छोड़ दिया है, जो अब अपने हिसाब से इसका पूरा राजनीतिक फायदा भी उठाएंगे। साथ ही इसकी आड़ में इन वर्गों को बांटकर इन्हें आपस में ही लड़ाएंगे, अर्थात अब ये पार्टियां फूट डालो वे राज करो की नीति का भरपूर फायदा उठाएंगी इस जजमेंट की आड़ में। जबकि संविधान के मुताबिक अभी तक क्या था ये जजमेंट आने से पहले, जबकि संविधान के मुताबिक किस जाति को SC ST की सूची में शामिल करना है या नहीं करना है, तो इसका ये अधिकार अभी तक केवल संसद किसको था, पार्लियामेंट को था, संसद व मान्य राष्ट्रपति जी को ही दिया हुआ था संविधान के मुताबिक, जिसे 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए निर्णय के जरिए इसे अब वापिस लेकर सीधे ही राज्य सरकारों को दे दिया है, जिससे अब इन वर्गों के साथ काफी ज्यादती होगी, अर्थात इनका अब ये आरक्षण ना के बराबर ही रह जाएगा। दलितों का, आदिवासियों का जो आरक्षण है वो ना के बराबर ही रह जाएगा। और अब तो कांग्रेस के श्री राहुल गांधी ने भी विदेश में जाकर इनके सभी आरक्षण को आगे वक्त आने पर खत्म करने का भी ऐलान कर दिया। इसलिए इन वर्गों के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो इन्हें आरक्षण का ये संविधानिक अधिकार मिला है, तो इसे बचाने के लिए अब यहाँ हरियाणा प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में इन वर्गों को, ऐसी सभी आरक्षण विरोधी पार्टियों को अपना कतई भी वोट नहीं देना है। जो ये पार्टियां माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए इस निर्णय को बिल्कुल भी बदलने के लिए तैयार नजर नहीं आती हैं, ना तो भारतीय जनता पार्टी और ना ही कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन, अर्थात इस मामले में केवल ये पार्टियां इन वर्गों को गुमराह करने में ही लगी है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों को यहाँ विधानसभा के हो रहे आम चुनाव में अपने बने इस गठबंधन की ही सरकार बनाकर, क्योंकि ये लोग जो जजमेंट आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का रिजर्वेशन को लेकर, इसको ये अभी तक भी बदलने के लिए तैयार नहीं है, ना कांग्रेस ना बीजेपी। तो ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को करना क्या है, यहाँ अपने गठबंधन की सरकार बनाकर
इसे लागू होने से ये जो भी नया जजमेंट आया है तो अपने यहाँ गठबंधन की सरकार बनाकर इसे लागू होने से तब तक लटका कर वे रोक कर रखना है जब तक केंद्र व विपक्ष द्वारा इस निर्णय को संविधानिक संशोधन के जरिए खत्म करके इसे पुरानी स्थिति में बहाल नहीं कर दिया जाता। गठबंधन की सरकार यहाँ बनती है, हमारी गठबंधन की हमारे हाथ में कैसे लागू करे या न करे, इसको हम लटका के रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, कब तक? जब तक केंद्र व विपक्ष द्वारा इस निर्णय को संविधानिक संशोधन के जरिए खत्म करके इसे पुरानी स्थिति में बहाल नहीं कर दिया जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में अब आपको एक तरफा अपना वोट केवल बीएसपी व इन्हें लोग के बने अपने इस गठबंधन को ही देना। सत्ता में आ यहाँ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए इस निर्णय पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सके। इतना ही नहीं, बाकी केंद्र राज्यों में कांग्रेस बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों की रही सरकारों ने इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं भरा है, जिससे फिर अंत में किसी न किसी रूप में सामान्य वर्गों को ही प्रदेश में जब हमारी पार्टी की सरकार बनी हमने विशेष अभियान चलाकर इस आरक्षण के कोटे को हमने पूरा कराया था। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आग में काफी हद तक खत्म ही कर दिया। इसके साथ ही केंद्र व राज्यों की भी सरकारों द्वारा इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनके ज्यादातर सरकारी कार्य अब यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण आपके यहाँ हरियाणा प्रदेश सहित पूरे देश में अब इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही मिली है। हमें काफी स्ट्रगल करना पड़ा, जिसका भी अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की चल रही सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है। जब बीपी सिंह की सरकार थी तो तभी बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जबकि इन्हें ये सम्मान इनके जीते जी केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार में बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। लेकिन इस पार्टी की सरकार ने इनके देहांत के बाद भी इन्हें ये सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके देहांत के बाद भी इन्हें ये सम्मान नहीं दिया, इससे इन वर्गों के प्रति इस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इतना ही नहीं, बल्कि इनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले वे हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व माननीय श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। इसके साथ ही इन वर्गों के लोगों को जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी यहाँ नियम व कानून आदि बने हैं तो उन पर भी केंद्र
वे राज्यों की सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही है, जिससे अब यह खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के ऊपर शोषण करने वालों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ आपके हरियाणा प्रदेश में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य अकलियत समाज के लोगों की भी अधिकांश मामलों में हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज व जाट समाज में भी खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी यहाँ आपके हरियाणा प्रदेश से पूरे देश में काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है। इनके अलावा आपके हरियाणा प्रदेश सहित पूरे देश में सब समाज में से विशेषकर या गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य मेहनत कश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी ही नजर आते हैं। और इनमें भी किसान वर्ग तो केंद्र में अभी तक की रही सभी सरकारों द्वारा बनाई गई उनकी गलत नीतियों के कारण अब काफी ज्यादा परेशान व दुखी भी रहा है और अभी भी है। लेकिन इन सबकी मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र में व आपके हरियाणा प्रदेश में भी यहाँ अब तक की अधिकांश रही विरोधी पार्टियों की सरकारों की गरीब व किसान विरोधी तथा इनकी जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली को ही काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिससे आम जनता काफी ज्यादा परेशान व दुखी भी है। इसके साथ साथ अभी भी अपने देश में भ्रष्टाचार हर स्तर पर काफी ज्यादा फैला हुआ है, जिससे आपका खुद का अपना हरियाणा प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। और इन सब का मुख्य कारण हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने हरियाणा प्रदेश में भी ज्यादातर सत्ता या खासकर पूंजीवादी पार्टियों के ही हाथों में आने को मानकर चलती है, जिसके कारण ही अब पूरे देश में या आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में काफी ज्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं। जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धंधा सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की भी सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वे आजाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में वे हर स्तर पर या खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपका पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, तो देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में चार बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहां सरकार भी बनाई है। और हमने अपनी सभी चारों नई सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो वहां सर्व समाज के हितों का पूरा पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहां सर्व समाज से विशेषकर उन दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों व अकलियतों अकलियत समाज को दी है तथा अन्य समाज में से गरीब एवं असहाय लोगों को ही दी है,
जिनकी यहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन जातिवादी संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की रही सरकारों की तरह मामूली सा बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए। इसके साथ ही गरीब भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए उन्हें फ्री सरकारी जमीन दी है, और जो गरीब आवासहीन लोग थे तो सरकारी खर्चे से उनके हमने दो दो कमरों के पक्के मकान भी बनाकर दिए हैं, और वहां पर सभी सुविधाओं का प्रबंध भी किया, हॉस्पिटल का, स्कूल का, और भी जो जरूरी आपकी जरूरतें हैं तो उनका हमने वहां पर प्रबंध भी किया है, जिससे वहां लाखों गरीब लोगों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचा। शहरों में देहातों को भी विकसित किया गया है। आप लोगों को ये मालूम है कि शहरों और देहातों में जहाँ वीकर सेक्शन के कमजोर तबके के लोग रहते हैं, वहां घुसते ही मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर अपने समाज के लोग रहते हैं, इतनी खराब हालत होती है। क्योंकि जो पार्टियां मिलकर सत्ता में रही तो उन्होंने आपकी बस्तियों को डेवलप नहीं किया, लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो हमने देहातों को डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के तहत और शहरों में दलित बस्तियों को माननीय श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के तहत उनको डेवलप किया, विकसित किया। इसके अलावा हमारी पार्टी के लिए सरकार ने वहां विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे उन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। किसानों की भी अधिकांश समस्याओं का काफी हद तक समाधान किया गया है, तथा उनकी फसलों का भी उन्हें समय से उचित दाम दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि हमने उत्तर प्रदेश में सब समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुर्म जाति आदि भी नहीं होने दिया है, और वीकर सेक्शन का हमने विशेष ध्यान रखा है। बल्कि हमारी पार्टी के लिए सरकार ने वहाँ जुर्म जाति करने वाले लोगों को बिना कोई देरी किए हुए उन्हें तुरंत ही जेल की सलाखों के अंदर भेजा है, जहाँ मेरी सरकार में उनकी सही व असली जगह होती है, जिसकी यहाँ के प्रदेश में भी काफी अवसर जरूरत है। इसके साथ ही हमारी पार्टी की रही सरकार ने अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे यहाँ महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं माननीय श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वहाँ पूरा पूरा आदर सम्मान दिया, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों वर्ष शासन काल के दौरान वह हर मामले में वे हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफी बेहतरीन सरकार दी है, और यदि आप लोग भी यहाँ अपने हरियाणा प्रदेश में गरीबों, किसानों व आम जनहित के तथा विशेषकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, इसके साथ ही आपके प्रदेश की जनहित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं तो उन्हें भी आप दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह ही यहाँ अपने हरियाणा प्रदेश में भी अपने इस बने गठबंधन की ही सब जनहिताय व सब जन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार बनानी होगी, जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ अपने हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के लिए
हो रहे आम चुनाव में अपने गठबंधन का ही बेहतर रिजल्ट लाना होगा। इसके साथ साथ आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ की सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में भी कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है, अर्थात जो कहती है तो उसे करके भी दिखाती है। और ये सब हमने उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया है। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने हरियाणा प्रदेश के भी हित में यहाँ बीएसपी व इनेलो के बने अपने इस गठबंधन की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और अब आप लोगों को अपने इस गठबंधन के ही उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा कामयाब बनाना है, जिसके लिए बीएसपी के उम्मीदवारों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के तथा भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवारों को चश्मा चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के इन्हें जरूर जिताना है। इस प्रकार से आप लोगों को अपने बने इस गठबंधन की ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है। और सरकार बनने पर फिर गठबंधन की ओर से आपके हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी श्री अभय चौटाला जी को ही बनाया जाएगा, जिनको मेरे आशीर्वाद के साथ साथ इनके पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। वैसे स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी का भी हमेशा इन पर आशीर्वाद बना रहा है। इनके साथ साथ गठबंधन की ओर से बीएसपी का एक डिप्टी सीएम दलित वर्ग का तथा दूसरा डिप्टी सीएम अन्य पिछड़ा वर्ग या अपर कास्ट समाज में से ही बनाया जाएगा। और ये डिप्टी और ये दोनों डिप्टी सीएम कौन होंगे इसका फैसला इस चुनाव का नतीजा आने के बाद ही किया जाएगा। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप सभी लोगों से अपने बने इस गठबंधन के अधिकांश उम्मीदवारों को जिताकर अपनी यह गठबंधन की ही सरकार जरूर बनाना है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं केंद्र सरकार से देश में जातीय जनगणना कराने के लिए भी विशेष अनुरोध करती हूँ, जिसको पहले केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार ने और अब वर्तमान में चल रही बीजेपी की सरकार ने भी इसे अभी तक भी लटका के रखा हुआ है, जो उचित नहीं है। इसके लिए भी इनसे विशेष आग्रह के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। तो हरियाणा के पलवल से बीएसपी अध्यक्ष मायावती को सुन रहे थे आप, जहां हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी मायावती। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर ही निशाना साधा और साथ ही बसपा और इनेलो के गठबंधन को लेकर उन्होंने सभी से वोट की अपील की।